ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे एवरीवन, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, अगर आप जॉब करते हैं या आपके छोटे बच्चे हैं या आपके पास समय नहीं है और आप पूजा में अधिक समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की स्थापना करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। आज की वीडियो में गणेश चतुर्थी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम जगह में आप गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। आप जितने दिन चाहें उतने दिन की आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, या तीन दिन के लिए, पाँच दिन के लिए, या सात दिन के लिए, या फिर आप 10 दिन के लिए करना चाहें तो 10 दिन के लिए भी स्थापना कर सकते हैं। और पूजा विधि यही रहेगी। सबसे पहले आप जब स्थापना करेंगे तो आपको एक चौकी जरूर ले लेनी है। चौकी पर आप लाल या पीले कलर का कोई भी कपड़ा बिछा लीजिएगा। थोड़े से चावल रखकर भगवान गणेश को विराजमान करेंगे। जो आपने भगवान गणेश की मूर्ति लाई हुई है उसे स्थापित करेंगे और साथ में ही हमें कलश की स्थापना करनी है। तो आप मिट्टी का, तांबे का और पीतल का कलश कोई भी ले सकते हैं। आपको सिर्फ स्टील का कलश नहीं लेना है, बाकी का आप तांबे का, पीतल का या मिट्टी का कोई भी कलश ले सकते हैं। तो हमें भगवान गणेश के सीधे हाथ की तरफ ये कलश रखना है। तो देखिए, इस तरीके से आप पीतल का कलश ले लीजिएगा और उस पर एक चावल से भरी कटोरी कलश के ऊपर रख दीजिएगा। हमें उसको कंठ तक जल से भर लेना है और उसके कंठ पर कलावा बांध देना है। तो इस तरीके से हम कलश की स्थापना करेंगे। आपने जो कलश के ऊपर चावल रखे हैं वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, वो साबुत चावल लेने हैं आपको। और उन चावलों के ऊपर हम 1 रुपए का एक सिक्का रख देंगे। तो इस तरीके से हमारा कलश पूर्ण हो जाएगा। और थोड़े से चावल रखकर हम अपने छोटे गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो आप अपने हर रोज़ जो मंदिर में गणेश जी रखे हुए हैं, जिनकी पूजा अर्चना करते हैं आप, उन्हीं को हमें स्थापित करना है। चौकी पर मैंने यहाँ पर सभी देवी देवताओं को विराजमान कर लिया है। उसके बाद में जल के छींटे लगाते हुए हम भाव रूप में शुद्धिकरण करेंगे। इसके बाद में हम दिया जला लेंगे, क्योंकि दिया हमारी पूजा का साक्षी होता है। कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले दिया जलाया जाता है। इसके बाद में अब हम सभी को रोली से तिलक करेंगे, भगवान गणेश को तिलक करेंगे। इसी प्रकार से हमें दीपक को भी तिलक करना है और जो हमने कलश स्थापित किया है उस पर भी हम इसी प्रकार से तिलक करेंगे। आप चाहें तो पूर्ण स्वास्तिक बना सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो सिर्फ आप रोली से तिलक कर सकते हैं कलश पर। उसके बाद में हम सभी को वस्तु स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। हमने यहाँ पर अग्निदेव को भी जनेऊ समर्पित कर दिया है। इसके बाद कलश को भी हम कलावा समर्पित करेंगे। तो इस तरीके से हमें सभी को कलावा समर्पित करना है। अगर आपके पास जनेऊ है तो भगवान गणेश को आप जनेऊ जरूर समर्पित करें। एक बड़े वाले गणेश जी को तो आप जनेऊ जरूर समर्पित करें। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप 7 बार कलावे को हाथ पर लपेट कर जनेऊ तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। आपके पास जो भी फूल हैं, पुष्प हैं, वो सभी को हम समर्पित करेंगे। अगर आपको लाल रंग के फूल मिल जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको लाल कलर के फूल नहीं मिलते हैं तो आप कोई भी कलर के फूल समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में हम दूबा घास समर्पित करेंगे दोनों गणेश जी को। उसके बाद में भोग समर्पित करेंगे। भोग में आप लड्डू भोग समर्पित कर सकते हैं या फिर आप मोदक समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में हमें जल समर्पित करना है। तो इस तरीके से हमें भोग समर्पित करना है। इसके बाद में आपके पास ऋतु अनुसार जो भी फल हैं वो भोग में फल समर्पित करेंगे और दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो दक्षिणा आप चाहें तो विसर्जन वाले दिन समर्पित कर सकते हैं या आप स्थापना वाले दिन भी समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, आपको दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार यहाँ पर गणेश भगवान को दक्षिणा समर्पित कीजिएगा। दक्षिणा जो है हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो इसलिए आप दक्षिणा जरूर समर्पित करें। उसके बाद में हमें आरती करनी है। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम गणेश भगवान की आरती करेंगे।
और आरती पूर्ण होने के बाद में देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ पर कपूर से भी आरती कर सकते हैं या आपने जो दीपक जलाया है उससे भी आरती कर सकते हैं। जब आरती हमारी पूर्ण हो जाएगी उसके बाद हम हाथ जोड़कर भगवान गणेश से प्रार्थना करेंगे, हमारी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे और भगवान गणेश से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, मैंने आपकी इतने दिन की स्थापना की है, मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरी स्थापना करने में मदद करें। तो गणेश चतुर्थी के दिन हमें इस तरह से गणपति जी की स्थापना करनी है। शाम के समय में हाथ पांव मुंह धो करके हमें आरती करनी है। आप चाहें तो कपूर से आरती कर सकते हैं या जो आपने दीपक लिया है उससे भी आरती कर सकते हैं। उस दीपक को आप पहले साफ कर लीजिएगा, धो माँज कर, उसके बाद ही आप गणेश जी की आरती करें। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान विधि से और सरल विधि से आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। शाम को आरती के बाद आपको भोग जरूर लगाना है और आपने जो भी सात्विक भोजन घर में पकाया है आप चाहें तो उसका भी भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमें गणेश चतुर्थी पर गणेश भगवान की स्थापना कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी की वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा जिससे उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे। ओम श्री गणेशाय नमः।